दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन चुकी है। ऐसे में हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके तहत हम आपको चुने हुए सांसदों के बारे में बताएंगे। इस सीरीज के पहले दो पार्ट में हमने सबसे ज्यादा वोटों और सबसे कम वोटों से जीतने वाले सांसदों के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर टच करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज इस सीरीज के तीसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनकर आए 20 ऐसे सांसदों के बारे में जिन पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेज हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसे सांसदों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों दमन और दीव से चुनाव जीतने वाले इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पटेल उमेश भाई बाबू भाई पर 14 केस दर्ज हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा दो केस दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का है। इसके अलावा इनके ऊपर धोखाधड़ी, दूसरे के प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा, पब्लिक सर्वेंट के साथ हिंसा इत्यादि के केस भी दर्ज हैं। दोस्तों केरल के कन्नूर से कांग्रेस सांसद के सुधाकरण के ऊपर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धोखाधड़ी, सरकारी अधिकारी को धमकाने, अफवाह फैलाने सहित कुल 14 मामले दर्ज हैं। आंध्र प्रदेश के हिंदूपुर से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बी के पार्थ सारथी के ऊपर रिश्वत लेने, इलेक्शन के दौरान अवैध रुपए बरामद होने, सरकारी कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार करने सहित कुल 15 केस दर्ज हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर से बीजेपी सांसद खान सौमित्रा के ऊपर पब्लिक सर्वेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, चोरी, धोखाधड़ी, महिला के साथ अभद्र व्यवहार इत्यादि सहित कुल 15 केस दर्ज हैं। दोस्तों बिहार के औरंगाबाद से राजद के टिकट पर चुनाव जीतने वाले सांसद अभय कुमार सिन्हा के ऊपर कुल 16 केस दर्ज हैं, जिनमें दो समुदायों के बीच में नफरत फैलाना, 50 रुपए के नोट फाड़ना, सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करना इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बेलूर घाट से बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार के ऊपर भी 16 केस दर्ज हैं, जिसमें 6 केस तो केवल सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करने के हैं। इसके अलावा दो समुदायों के बीच अफवाह फैलाने, धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास इत्यादि के मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु के थेनी से डीएमके सांसद थंगा तमिल सेल्वन के ऊपर सरकारी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने, कानून के खिलाफ काम करने सहित कुल 17 केस दर्ज हैं। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का। वायनाड और रायबरेली से चुनाव जीतने वाले राहुल गांधी ने नॉमिनेशन के वक्त यह डिक्लेयर किया था कि उनके ऊपर कुल 18 केस दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, दूसरों को बदनाम करने, पीड़ित की पहचान उजागर करने, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इत्यादि के केस प्रमुख हैं। दोस्तों झारखंड के धनबाद से बीजेपी सांसद दुलू महतो के ऊपर कुल 22 केस दर्ज हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियार से हमला करना, जबरन वसूली, सरकारी अधिकारी पर हमला, आपराधिक धमकी, चोरी, डकैती और महिला के साथ अभद्र व्यवहार इत्यादि के केस प्रमुख हैं। दोस्तों तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद अरविंद धर्मापुरी पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, आपराधिक धमकी देने, दूसरे धर्म का अपमान करने, पब्लिक में दुर्व्यवहार करने, शांति भंग करने और महिला पर अभद्र टिप्पणी करने सहित कुल 22 केस दर्ज हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बान गांव से बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर पर हत्या का प्रयास, महिला के साथ अभद्र व्यवहार, आपराधिक धमकी देने, ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारी पर हमला, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, दो समुदायों के बीच धर्म, जाति और स्थान के आधार पर नफरत फैलाने सहित कुल 23 केसेज दर्ज हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं। बाबू सिंह कुशवाहा पर धोखाधड़ी, झूठे सबूत गढ़ने, कोर्ट रिकॉर्ड में जालसाजी करने, चुनाव के दौरान लोगों में पैसा बांटने सहित कुल 25 केस दर्ज हैं। तेलंगाना के मेडक से बीजेपी सांसद माधव नेनी रघुनंदन राव पर आपराधिक धमकी, ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारी पर हमला, धारदार हथियार से अटैक सहित कुल 29 केस दर्ज हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी कासीराम के सांसद
चंद्रशेखर के ऊपर हत्या का प्रयास, डकैती, सरकारी कर्मचारी पर हमला, गैर इरादतन हत्या का प्रयास, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाना, दंगा करने, 50 रुपए का नोट फाड़ने सहित कुल 36 केस दर्ज हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के माधा सीट से एनसीपी शरद पवार के सांसद मोहिते पाटिल धैर्यशील राज सिंह के ऊपर आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी, दूसरों की प्रॉपर्टी गलत तरीके से कब्जाने, दंगा करने सहित कुल 36 केस दर्ज हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं कांग्रेस नेता और बिहार के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर जीतने वाले सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। इनके ऊपर हत्या का प्रयास, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला, आपराधिक धमकी, जबरन घर में घुसना और घर के सदस्यों से मारपीट करना, घर को विस्फोटक से ध्वस्त करना जैसे कुल 41 केसेज दर्ज हैं। दोस्तों, तेलंगाना के करीमनगर से बीजेपी सांसद बांदी संजय कुमार इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। इनके ऊपर महिला के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी और गलत तरीके से छूने, ड्यूटी पर मौजूद सरकारी कर्मचारी के ऊपर हमला करने, धोखाधड़ी करने, धारदार हथियार से हमला करने, दूसरे के घर में जबरदस्ती घुसने और घर वालों के साथ मारपीट करने सहित कुल 42 केस दर्ज हैं। दोस्तों, तेलंगाना के मलकाजगिरी से बीजेपी सांसद इटाला राजेंद्र के ऊपर कुल 45 केसेज दर्ज हैं, जिनमें से हत्या का प्रयास, आपराधिक धमकी, सरकारी कर्मचारी पर हमला, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, खतरनाक हथियार से हमला करना इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं केरल के वडाकारा से कांग्रेस सांसद शफी परमबील। इनके ऊपर कुल 47 केस दर्ज हैं, जिनमें से ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, आपराधिक धमकी, धारदार हथियार से हमला करके गंभीर रूप से घायल करना, दंगा करना इत्यादि प्रमुख हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं केरल के इडुकी से कांग्रेस सांसद एडवोकेट डीन कुरिया कोसे। इनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का प्रयास, ड्यूटी पर मौजूद सरकारी कर्मचारी पर हमला करने, विस्फोटक के इस्तेमाल से घर को ध्वस्त करने, आपराधिक धमकी देने, धारदार हथियार से हमला करके घायल करने, जबरन दूसरों के घर में घुसने और मारपीट करने, दंगा करने सहित कुल 88 केसेस दर्ज हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 20 सांसद जिनके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट और माय नेता इन्फो की वेबसाइट से लिया है। दोस्तों, यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।